तो हेलो इंडिया, क्या हाल चाल आप सभी का। हम सब बोझा बढ़िया, एक नए व्लॉग में आप स्वागत है यार। क्या हाल चाल है आप सभी का। हम सब बोझा मस्त है। एंड अभी मैं सरचू में, पहले मैं आपको आसपास का नजारा दिखा देता हूँ। आज मौसम साफ है, बट इस पे विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि हिमाचल की ओर जा रहे हैं और वो सामने दिख रहे हैं ना अपना भारत, अच्छा वो हमें क्रॉस करना है। अभी हम बॉर्डर पे है लद्दाख, उधर वाला साइड आपको दिख रहा है ना, वो है हिमाचल प्रदेश। एंड भाई साहब नहाए हुए 2 दिन हो चुके हैं, आज नहाने पड़ेगा। आपको पता है कंडीशन ही वैसी थी। एंड जो नींद आई है ना सच्ची, रात को मैं कैसे बताऊं, अभी मेरे को पता चला है नींद बढ़िया। बड़ा पता कैसे आती है, मतलब पहले ना मैं टेंट में ना, मेरे पास नीचे डालने के लिए कुछ नहीं है, ऐसे मोम डाल देता हूं, वो ठंडा हो जाता है रात को, तब भी मेरे को नींद नहीं आती थी। और यहां भी वो नींद आई है ना भाई साहब, मजा आ गया। ये था भाई अपना बेडरूम। और अर्श भाई क्या हाल चाल, सेकंड टाइम पूछ रहा हूँ, कोई बात नहीं, एक्टिंग करनी पड़ती है। यहाँ पे मैं सोया था दो रजाई लेके, वहाँ पे अर्श भाई। एंड जो नींद आई है ना सच्ची यार, पूछो ही मत भाई, पूछो ही नहीं। अर्श भाई 100 लगे टूटे डाल दी, आज नहाना है ना। हाँ नहाना है पक्का, नए कपड़े तूने पहले ही पहन लिए। आज दो दिन हो चुका है नहाए हुए, पहले कंडीशन ही ऐसी थी, आपने देखा कितनी यार ठंड थी। आज थोड़ी बहुत गर्मी पड़ रही है, नहा लेते हैं अभी क्योंकि शाम को मौसम ठंडा हो जाएगा बिल्कुल। सही ना, आज का दिन शुरू करते हैं लेके कान्हा जी का नाम, जय हो कान्हा जी की। चलते हैं भाई, अपना सामान पैक हो चुका है सारा। एंड आज लद्दाख को गुड बाय बोलने का टाइम हो चुका है, थोड़ा पास करते ही हमें लद्दाख को गुड बाय बोलना है। सही है ना, वो रिवर चल रही है सामने, वहां पे नहाते हैं फिर निकलते हैं, आज का सफर शुरू करते हैं। और आपको बताना, जो हिमाचल प्रदेश में बाढ़ आई थी ना एक हफ्ता पहले, उसकी वजह से टूरिस्ट बिल्कुल खाली हो चुका है। जो लोग यहाँ पे बस जिनके होटल ढाबे है ना वहीं पे आसपास घूम रहे हैं। एंड दिन में कम से कम 10-20 बाइक की गुजरती होगी, मे भी आज या कल बाइक निकलना शुरू हो जाए क्योंकि ऐसा ऐसा मौसम साफ हो रहा है। और होटल वाले भैया ने हमें बोला है कि जल्दी निकल जाओ क्योंकि बाद में ना ग्लेशियर पिघलना शुरू हो जाते हैं, फिर बड़े बड़े आपको मतलब नाले पार करने पड़ते हैं, वो तो हम चाहते हैं यार, तभी तो वीडियो बनेगी ना। वो सामने वाला एरिया मस्त देखो। एंड ये वाला रात को हमने पर्वत क्रॉस करा था कल शाम को, है ना, दिखने में आज छोटे छोटे लग रहे हैं पर बहुत बड़े बड़े हैं यार ये। ठीक है, नेटवर्क भी था यहाँ पे। एंड यहाँ पे सोलर ही चलता है, मैंने अंदर चार्ज लगाया हुआ है सारा सिस्टम। निकलते हैं चलते हैं, बाइक मैंने गर्म कर लिया है और मैं अभी बाइक चला चला के ना थक चुका हूँ। मैं और अर्श भाई ने सोचा है मनाली वाली हिमाचल वाली साइड जाके ना 3-4 ना कड़ाकेदार ट्रैक करेंगे। हाँ। कड़ाकेदार क्या होते हैं, मस्त वाले ट्रैक। हाँ यार, बाइक चला चला के ना मुझे ऐसे खुंदक आ रही है अभी, समझा खुंदक क्या है, पंजाबी समझता है तू भी। ठीक है भाई, चलते हैं इस खूबसूरत वादियों में सफर शुरू करते हैं। जे वाला क्रॉस करते हैं हम इंटर हो जाएंगे हिमाचल प्रदेश में, उससे पहले हमें नहाना है क्योंकि नहा के हमें इंटर होना है। सही है, चल चाचा। ओके भाई, चलो तो विमान कोलाहल होए, जय रघुबीर कहल सब कोई, अधि किकते स्टार्ट मेरा जामा। ओके भाई, यहाँ पे ना मौसम डरा रहा है, कभी इतनी ज़्यादा धूप निकली जा रही है ना, मतलब एकदम से ऐसा लगता है। देखो चप्पलें शप्पले पहनी हुई है मैंने कि आगे नहा के फिर ही शूज़ पहनेंगे। चलिए सरदार जी, चलिए अंदर चेक कर लिए, सामान कोई रह तो नहीं गया। चल तू देख के आ, मैं जगह ढूंढता हूँ नहाने वाली। सही है ना। ओके जी भाई चलते हैं। ओके भाई जी तो नहीं देख रहे, बट चलते हैं भाई। ओके पीछे गाड़ी नहीं आ रही है, दिख रहा है कितना खामोश हो चुका है ये वाला एरिया। एंट्री गेट है क्या ये? अरे जी यहाँ से एंट्री है शायद। मनाली है 177 किलोमीटर, 180 किलोमीटर मान के चलो, और अपना बारा लालचा है 33 किलोमीटर। केलोंग है भाई अपना 107 किलोमीटर। आज हम रुकने वाले हैं केलोंग में, 107 किलोमीटर टोटल हमारा सफ़र रहने वाला है। अरे जाने दे भाई जी। ओके जी, तो भाई बोल दिया हमने सरचू को बाय बाय। और अभी मैंने सर जी को पूछा कि हिमाचल कहाँ से शुरू होने वाला है, वो ब्रिज दिख रहा है ना इसके पार हिमाचल ही है। मैंने सोचा नहा के इंटर होएंगे, शरीर शुद्ध मुद करके, मतलब जो 2-3 दिन हो चुके हैं ना नहाए हुए। यार नहाने वाला टॉपिक मैं पता नहीं अपने व्लॉग में क्यों लेता हूँ, मुझे ऐसा लगता है मतलब मैं ना ठंड में भी नहाता हूँ, इसलिए मैं बार बार बताता रहता हूँ कि भाई अंकुश ठंड में नहा रहा है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है। लो भाई, ओ नहाने का पानी मिल गया ऊपर। ठीक है भाई जी, जाने दीजिए ज़रा। ओ बाप रे, बड़ी धूल है यहाँ पे। ओके ओके, ओ भाई बड़ा खतरनाक रास्ता है भाई, टूटा हुआ ब्रिज। अरे ब्रिज बन चुका है भाई ये वाला, पिछली बार मैं आया टूटा हुआ था यहाँ पे। लो भाई वेलकम टू हिमाचल प्रदेश, अभी मैं इंटर होने के बाद बोलूँगा। ओ
वेलकम टू द हिमाचल, अरे रुक जा, हिमाचल प्रदेश में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। हम पहुंच चुके हैं हिमाचल में, यार एक कैसा स्वागत हो रहा है पानी में टूटे फूटे रोड से। दरअसल ये दिक्कत पता क्या है, यहाँ पे पानी चलता रहता है इसलिए सड़क सारी टूट गई है। अरे मुझे नहाना था यार, ओ माय गॉड, साइड पे मत देखना भाई, चिल्ड बियर, ओ माय गॉड, दुकान खुली होती तो शायद तब भी नहीं पीते यार, हम थोड़ा पीते हैं। मुझे नहाने की जगह ही नहीं मिल रही, जगह तो है बट उसके लिए नीचे जाना पड़ेगा, सरदार जी के बस का नहीं है नीचे जाना भाई। वो कितनी जड़ी बूटी है नीचे, है ना। चलो भाई मैं खामोखा छोड़ो, कोई आगे पानी देखते हैं, सही है ना। वैसे भी मैंने अभी जैकेट तो नहीं पहनी है इसलिए ठंडा ठंडा ही लग रहा है भाई, बहुत टूटा हुआ रोड है। ओके, ऐसा ऐसा इजी। मैं पिछली बार आया था ना जे वाला, जो बड़ा ब्रिज आपको दिख रहा है ना, पुल इसका काम लगा हुआ था, अभी बनके भी तैयार हो गया भाई। ओके ऐसा भाई, तगड़ा स्वागत हो रहा है हमारा हिमाचल में, है ना। अभी मैं भी थोड़ी ना हिमाचली बोलना शुरू कर दूंगा, ठीक है। ओके, जैसे मैं लगूंगी मैं हिमाचल का ही हूँ, सही है ना। ये दोस्तों अभी हम हिमाचल में खड़े होके ना लद्दाख को गुड बाय बोलेंगे, बाय बाय लद्दाख, हम फिर वापस आएंगे, जल्दी वापस आएंगे भरपूर जोश के साथ। और ट्रक वाला, अरे सॉरी भैया, भरपूर जोश के साथ पता नहीं आ पाता या नहीं, ट्रक मैंने देखा ही नहीं, ऊपर ही आ गया भाई। हॉर्न तो बजाना चाहिए यार उसको कम से कम, मेरी गलती थोड़ी ना है। ठीक है भाई, बाय बाय लद्दाख यार, बड़ा मिस करेंगे आपको। 35 डेज स्पेंड करे हैं पूरे लद्दाख में, मज़ा आ गया। ओके बाय बाय। अभी दोस्तों लद्दाख में एग्जिट एंट्री हो चुकी है, अभी हिमाचल प्रदेश में फिर से एंट्री होनी है ना भैया। चलो भाई एंट्री करवा लेते हैं। लाहौल स्पीति पुलिस, वेलकम टू लाहौल स्पीति। तब एक चीज़ अच्छा लग रहा है कि हिमाचल में इंटर होते ना भोले बाबा जी के दर्शन हो रहे हैं। जय हो भोले बाबा जी की। लो भाई अपनी एंट्री हो चुकी है, अरे जाने का रास्ता किधर से है, अरे जाने दो भैया। ओके ठीक है भाई, चंडीगढ़ अपना 532 किलोमीटर, मंडी है 322, हमें कहाँ जाना है, मनाली 222 है, रोहतांग पास 171 किलोमीटर, दिल्ली है 780 किलोमीटर। ठीक है भाई चलते हैं, कोई नदी नाला आ जाए यार, मुझे नहाना है, अगर नहीं नहाऊंगा ना अभी बाद में मौसम इन, अरे नहाना करे जा रहा है पूरे ब्लॉग में यार, ब्लॉग खराब हो जाएगा, बात खत्म, मुझे नहाना है बस। लो भाई स्वागत है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में, दे लैंड ऑफ द देवभूमि। और जी हाँ दोस्तों, हिमाचल वाली साइड अपनी कैंपिंग में ऐसे बोला, ऐसे मैंने लगाई हो, मतलब यहाँ पे ना अपना एक सब्सक्राइबर थी, सिस्टर ही बोलना पड़ेगा, तो उन्होंने पिछली बार मेरे को इनवाइट करा था बट मैं भूल गया। बट अभी पता नहीं, अभी हम तो आगे जा रहे हैं यार, यहाँ थोड़ा रुकना है, कल शायद आ भी जाते हैं यहाँ पे, बट कल इतनी ज़्यादा बारिश थी ना आगे आने की सोचते भी नहीं। फाइनली दोस्तों पूरे 2 दिन के बाद, बोलना नहीं था मैंने, स्नान कर लिया, मगर क्या बोलूं यार, जो ताजगी महसूस हो रही है ना सोची यार, मजा आ गया। और आज आपके भाई ने पहने भाई नए वाले कपड़े यार, मतलब पहले भी नहीं पहनता हूँ, एक टी शर्ट मैं 2 दिन ही पहनता हूँ, मतलब सच्ची यार बड़ा अच्छा अच्छा लग रहा है, अभी ऐसा लग रहा है शरीर पूरा खुल चुका है, क्योंकि भाई पानी जो ना बर्फ से आ रहा है, ग्लेशियर से ऊपर से पिघल के, एंड क्या ठंडा वाला पानी है, शरीर खुल गया पूरा, सही है ना सरदार जी। चलिए बाजी फिर चलते हैं भाई, अभी टेंशन नहीं है, मजे से जाएंगे, मजा आ गया सच्ची यार, पहाड़ों में नहाने का मजा ही अलग होता है, शरीर खुल जाता है, बाकी टेंशन। लो भाई अपना मजे वाला सफर चल रहा है, मजे वाला बोले तो फिर नहाने वाली बात आ जाएगी, छोड़ो यार। एंड जो जितने भी व्हाइट कवर माउंटेन दिख रहे हैं ना, ये हमने अभी क्रॉस करने हैं भाई, नीचे से ना इतना मतलब ऐसे नॉर्मल दिखते हैं, ऊपर से जो मज़ा आता है ना, मैं आपको कब से दिखा रहा हूँ यार, टेंशन ही नहीं है। एंड जे वाली हमें छोटी सी झील मिली है ऊपर, देखो कितनी ऊंचाई पे जे वाली झील बनी हुई है, असलियत में ना हमें यहाँ पे नहाना चाहिए था। आपको पता है पहाड़ों में जो झीलें होती हैं ना ऐसे वाले, ये पता नहीं कितने हज़ारों सालों से होती हैं, कुंड भी बोला जाता है ना इन्हें। एंड इसके किनारे फ्लावर देखो, ये सारा ना बर्फ़ से ढका रहता है, ये बर्फ़ चली आती है ना ऐसे फ्लावर निकलते हैं। यहाँ पे एक फ्लावर और भी था पर्पल कलर का, उसे देखने में ना अलग ही मज़ा आता है। चलो भाई हमने नहा लिया, नहीं तो यहाँ पे नहाते हैं ना, ठंडा पानी है या गर्मी है इसका, इतने ज़्यादा ठंडा तो नहीं, अरे नॉर्मल पानी है, चिपचिपा है थोड़ा। ठीक है भाई चलते हैं, अभी हमें बहुत ऊपर जाना है, वो सारे पास करने हैं क्रॉस। ओए होए लड़ाई मत करो यार, आधा आधा बांट लो, मुझे दो मैं बांट के देता हूँ,
अरे नहीं नहीं आप खुद बांट लो, मैं खुद लेके भाग जाऊंगा, नहीं तो बाय 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 बाय। मैंने उनको बोला मैं आपको बांट के देता हूँ, उन्होंने पैकेट ही मेरे को दे दिया। ले सच में बांट के देने वाला है, इसी को बोलते हैं कि बच्चे मन के सच्चे। और जे वाला रोड भाई बहुत ख़राब है, क्या चक्कर है भाई, पिछली बार आया था तब भी ख़राब ही था। लो भाई साहब अभी हम बिल्कुल 12 लांचे के नीचे पहुंच चुके हैं, वो सामने वाला दिख रहा है ना वही है, अरे आगे भी देख लेता हूँ। और भाई साहब मुझे ऐसा लग रहा है ऊपर ना बहुत ज़्यादा बर्फ होने वाली है ना यार, पहला पास है जिसे मुझे देखे थोड़ी सी ठंड लग रही है पहले पहले ही कि ऊपर बहुत ज़्यादा ठंड हो गया ना। चलो भाई बाकी देखा जाएगा, अभी थोड़ा ही बचा हुआ है यार। सच्ची मैं ना पास क्रॉस कर करके ना थक चुका हूँ, अभी मैं नहीं चाहता क्योंकि पास आए, क्योंकि पासिस पे ना ऑक्सीजन होती ही नहीं है बिल्कुल भी। लो भाई फाइनली खुशी हुई थोड़ी मेरे को ये वाटर क्रॉसिंग देख के, मैं कब से वेट कर रहा था कोई वाटर क्रॉसिंग तो आ जाओ यार, वीडियो भी बनानी है हमने। चलो भाई आई गई, एंड ऊपर वाला ग्लेशियर देखो भाई पूरी ऐसा लग रहा है ताज़ा ताज़ा, उसके ऊपर स्नोफॉल हुआ हुआ है ना बिल्कुल वाइट वाइट दूध की तरह। ठीक है चलते हैं, हो जाएगी ना पास, पहले आर्श भाई को देखते हैं पास कर पाता या नहीं। आप पहले जाओ, नहीं नहीं सर जी मैं बैकअप हूँ तेरा, टेंशन मत ले तो चल। पहले मेरे जूते गीले होंगे, उससे एक्सपीरियंस लोगे और फिर जाओगे। हाँ कोई बात नहीं, बचाते हम नहीं डरते भाई, हम हैं खतरों के खिलाड़ी। ओहो हो भाई ऑलमोस्ट ना बच ही गया यार, मुझे ये समझ नहीं आती सारे उस साइड से क्यों जाते हैं। इस साइड से देखो पानी बिल्कुल गहरा नहीं है, ये देखो भाई मैं ऐसे निकल भी आया कोई पानी। अरे 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 ये क्या हो रहा है मेरे साथ यार, इसके ऊपर ये छोटी छोटी जो दाने होते हैं ना पत्थर के बजरी, इसके ऊपर गाड़ी चलाना सबसे ज़्यादा टफ होता है। आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, ओके 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 ओके, चल भाई चल, क्या हो गया ठंडा लग रहा है क्या भाई। नहाने के बाद नहाने के जिक्र पता नहीं क्यों हो रहा है यार ब्लॉग में, मैं नहीं ब्लॉग बनाना यार बंद करो, नहाना नहाना कर करके मैं पागल हो गया यार, मुझे लग रहा है आप भी नहाना शुरू कर दोगे, मुझे ऐसा लग रहा है अभी। ओ माय गॉड, आपको पता है पिछली बार मैं इस पासस के ऊपर आके नहाया था भाई, वो वाली वीडियो देख लेना मेरी। बट इसे क्यों बोला जाता है यहाँ पे सबसे ज़्यादा डेथ हुई है, कुछ दिख सिम्टम तो दिख ही नहीं रहा यहाँ पे। हाँ एक बात मैं मानता हूँ कि यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल ना बहुत ज़्यादा कम है भाई, अभी फील हो रहा है थोड़ा थोड़ा, मैं बाइक चला रहा हूँ ना बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। ओके यहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रॉफी जाम होता है, अभी तो गाड़ियाँ ही नहीं है, अरे अभी तो बहुत ऊपर जाना है, अभी इतनी ज़्यादा गाड़ी नहीं है, नहीं तो यहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रॉफी जाम होता है ना सच्ची यार, आगे से ट्रक आ रहे होते हैं, इस साइड से गाड़ी जा रही होती है, बड़ी डिफिकल्टी होती है। और दूसरा यहाँ पे धूल उड़ती रहती है ना। चलो भाई, अरे बाइक ने जवाब दे दिया भाई, समझ नहीं आ रहा कितनी वाटर क्रॉसिंग है, मैं सुबह सोच रहा था कोई वाटर क्रॉसिंग आ जाए बट इतनी एक साथ इतनी आ गई। चल भाई भाई ऑलरेडी एक वाटर क्रॉसिंग खतरनाक क्रॉस करेगी, उससे कई गुना खतरनाक वाटर क्रॉसिंग है भाई ये, सिर्फ झूठ बोले जा रहा है, कुछ खतरनाक नहीं है। चल चाचा चल, तारीफ कर रहा हूँ तेरी। एंड भाई आज अपना टिकलू भाई भी वापस आने वाला है, लोग एक साइकिल लेके निकल तो जाते हैं लद्दाख करने बट होता नहीं है, अपना हैवन यात्री भाई ओनली करके आएगा। चल भाई अरे यार क्या गुंडा बनेगा रे बाबा, भाई पानी में जब भी निकलना है ना बिल्कुल स्लोली स्लोली, दिख रहा है ना बिल्कुल ऐसा ऐसा, और मैंने इस बार गलती कर दी। ओ नहीं, ओ भाई बचाओ बचाओ आ बचाओ भाई, एक पैर गया मेरा, दिख रहा है ना पूरा वाइट हो गया, पूरा वाइट बोला पूरा गीला हो गया। अर्श भाई को देख ही लेता हूँ क्या हुआ, अरे लेफ्ट वाला तेरा भी मेरा भी पूरा गीला हो गया, दिख रहा है अंदर तक पानी चला गया, अब पूरा दिन टेंशन रहेगी मेरे को। मेरे को इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था ना, इस पानी ने सारी हेकड़ी निकाल दी मेरी, अभी ना बच बच के निकलना है बिल्कुल। अरे कितना बड़ा पहाड़ है भाई बर्फ़ का, साइड से बिल्कुल बच बच के निकलना है यार मेरे सारे। ओके ओके निकल गया भाई, ये छोटे छोटे पानी में मैं टेंशन नहीं लेता, पता क्या वहाँ पे पानी ना गहरा था और बीच में अनसेटल वाले पत्थर थे, अनसेटल बोले तो जिनके ऊपर से ना गाड़ी नहीं निकली थी, एंड वहाँ पे मेरा टायर मतलब पानी ने स्पीड कम कर दी और गिरना तो लाजमी था, वैसे मेरी गलती नहीं है यार। ओ भाई नीचे वाली साइड इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ गिरी हुई है ना, मैं कितनी काउंट करवाऊँ भाई, हर मोड़ पे देखो गाड़ी अटकी हुई है एक मतलब ऐसे करके। ओके ओके आहिस्ता आहिस्ता भाई आहिस्ता, भाई साहब सुबह अंकल जी ने सही बोला था कि जल्दी जल्दी निकल जाओ, अरे नहीं मैं गिरना नहीं चाहता भाई, सुबह अंकल जी ने ना एक सेकंड मुझे अरे खोलने दो,
सही बोला था कि जल्दी जल्दी निकल जाओ, नहीं तो ग्लेशियर का सारा पानी पिघलना शुरू हो जाता है। जितनी ज़्यादा धूप निकलेगी ना उतना ज़्यादा पानी यहाँ पे ज़्यादा होगा। लो भाई फाइनली हम पहुँच चुके हैं 12 लाचा पास के ऊपर, हैशटैग लाशों का ढेर, हर जगह पानी है यार, क्या करूँ। ओके ओके ऐसा ऐसा प्रॉब्लम नहीं रे बाबा, मज़ा आ रहा है यार। मैं कब से सोच रहा था पानी क्यों नहीं आ रहा यार, बॉर्डर क्रॉसिंग आएगी तभी तो मज़ा आएगा ना। एंड वो वाले जगह आपको याद है ना, वहाँ पे जाके मैंने नहाया था भाई पिछले साल वाली वीडियो देख लेना। ओ वेलकम टू द वारालाचा ब्रो, कुछ ऐसा नज़ारा ऊपर से। अर्श भाई को पता नहीं चला कि वारालाचा निकल भी गया। जी हाँ भाई, वारालाचा अपना दिखा। ओके बाय बाय, फिर आएंगे। पिछले बार भाई मेरा पल्सर ना इतना कमज़ोर था, मैं नीचे लेके चला गया, यहाँ से ऊपर ही ना चढ़े, फिर मैंने एक बंदे से हेल्प ली थी। ओके अभी हमें थोड़ा थोड़ा डाउन जाना है, अभी दो तीन, एक चंद्रताल आने वाला है, चंद्र लेक आने वाली है, सूर्य लेक आने वाली है। अच्छा जे भी है, हाँ जे वाला है भाई, असली वाला। ओके वेलकम टू द वारालाचा ब्रो, वेलकम टू द वारालाचा, चलो आ जा। ओके यहाँ पे सच्ची यार ऑक्सीजन प्रॉब्लम हो रही है अभी थोड़ी थोड़ी। भाई साहब इस बार ना बड़ी शांति शांति है, नहीं तो यहाँ पे टूरिस्ट का टी टाँ होता ही रहता है। और मुझे ऐसा लग रहा है जे वाले जो दर्शन हो रहे हैं ना हमें बर्फ़ के, जे इस सीज़न के ना लास्ट वाले होने वाले हैं, क्योंकि इसके बाद हम कहीं और ही जाने वाले हैं, वहाँ पे बर्फ़ तो है ही नहीं है। मतलब मनाली वाली साइड भी बड़ी कम बर्फ़ है, वहाँ से दिखती होगी दूर से, मतलब बर्फ़ ये वाली लास्ट टाइम ही दिख रही है। जी हाँ दोस्तों, हमारी सुबह से सेकंड वाली रेस्ट, नहाने के बाद एक बार और रुके थे। एंड मैं सोच रहा हूँ जब कुदरत अपनी चलाती है ना, अच्छे अच्छे जो महारथी होते हैं ना वो भी धूम धमा के भाग जाते हैं। नहीं तो सोचो, सॉरी मैंने बताया नहीं मैं कहाँ पे हूँ, पहले इंट्रो शुरू कर दिया। अभी मैं हूँ सूर्य ताल, मैंने सोचा चंद्रताल है, चंद्रताल शायद नीचे होगा। एंड कुछ ऐसा नज़ारा है, इसका ना वाटर देखो कुछ और कलर का है ना, कितना मस्त लग रहा है। इतना ज़्यादा बर्फ़ के पास होने के बावजूद भी मेरे को ठंडा कुछ नहीं लग रहा है, ऐसे नॉर्मल लग रहा है कि मैं मतलब अपने उधर ही हूँ, मतलब नीचे वाली साइड ही हूँ कि बारिश हो रही है। बारिश होने पर भी इतना ज़्यादा ठंडा हो ही जाता है। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि नेचर जब अपना कहर दिखाती है ना, अच्छे अच्छे दुम दुमा के भाग जाते हैं। यहाँ पे लाइनें लगी होती थी फोटो क्लिक करवाने के, सेल्फी क्लिक करवाने वालों की, बट अभी देखो बड़ी शांति सी है भाई। मुझे ऐसा लग रहा है हम पहले होंगे जो कहर हुआ है ना हिमाचल प्रदेश में, उसके बाद जो मनाली ले हाईवे से जा रहे हैं वीडियो बनाते बनाते। ऐसे तो काफ़ी लोग जा रहे हैं यहाँ पे, हमारे जैसे और भी काफ़ी लोग हैं। सन की लोग। ओ भाई मस्त मज़ा आ गया सच्ची, अभी भूख लगी यार सुबह से, मैंने बस ब्रेड खाए थे, मतलब वहाँ पे परांठा भी नहीं खाया इसलिए भूख लग रही है अभी थोड़ी। अच्छा लग रहा है। एंड मैंने बोला है ना ये शायद हमारे इस सीज़न की ना आखिरी वाली बर्फ़ होगी जो हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, सही है ना। चलते हैं भाई, पानी का लेवल यार बहुत ज़्यादा हो चुका है, पहले बहुत डाउन था ये वाला। ठीक है चलते हैं, ज़्यादा टाइम खड़े नहीं होना यार, सिकनेस हो रही है यहाँ पे मेरे को अभी। चल भाई चल भाई, ये बॉर्डर क्रॉसिंग मैंने तो मजाक में बोला था सुबह की बॉर्डर क्रॉसिंग नहीं आ रही, उसके बाद बॉर्डर क्रॉसिंग आई जा रही है। अर्श भाई हो गया दोनों तरफ से, दोनों तरफ से हो गया भाई। अरे दूसरों पे मत हंस अंकू, अपना नंबर भी आएगा। अरे यार क्या मूड चेंज हो गया यार, मैं नहीं जा रहा इस रास्ते से। अरे मैं नहीं जा रहा सच्ची यार, मेरे शूज़ गीले हो जाएंगे। मेरे पास सेकंड प्लान है, मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। अरे यार गाड़ी वापस भी नहीं जा रही, क्या करूँ। जय वीर हनुमान जी की। चलो भाई चल, वीर हनुमान जी का नाम लेके निकल गया। ओपे, ओ नहीं यार, माँ कसम अगर छोटा सा पत्थर नहीं आता है ना वो सच्ची निकाल देता, छोटा नहीं बहुत बड़ा था यार, पूरा पैर गीला हो गया। पिछली बार फिर भी बचा हुआ था। ओके 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 साइड ले लेते हैं भाई। ओ भाई माँ कसम धूल यार। अरे सॉरी एक सेकंड, मैं आपको बोल रहा था ना सेकंड वाला प्लान भी है वो यहाँ से था भाई, बड़ा आसान था यहाँ से, हमने खामो खां उधर से पंगा ले लिया। पैर इतना ज़्यादा ठंडा लग रहा है, पहली बार बच गया था अभी बचा भी नहीं है। अरे ट्रक पीछे आ रहा है, ये वाला रास्ता सही था यार।
तो अभी ना दोस्तों बर्दाश्त से ना बाहर हो ही जा रहा था, मतलब जूता जो पानी में भीगा है ना, अभी मैंने चप्पल पहन लिया, एक चप्पल है एक जूता है, क्योंकि भाई इतना ज्यादा ठंडा लग रहा है ना, जैसे जैसे आगे जा रहे हैं हवा लग रही है ना, इतना ज्यादा ठंडा लग रहा है, तो अभी मैंने उसे निकाल के ना पीछे लगा दिया यहाँ पे सूखने के लिए। और भाई ने इन्वेंशन किया है एक जूता एक चप्पल, दुनिया का पहला आदमी होगा ऐसा घूमेगा। अरे भाई अपनी सेहत का ख्याल रखना है ना, तो समझ नहीं रहा। लो भाई जूता यहाँ पे बांध दिया है, शाम तक ये सूख जाएगा पूरा। किस्मत देखो एक ही जूता बार बार गीला हुआ है, ये वाला सुबह से ही सूखा है। एंड अर्श भाई की मैंने देखे बाट लग गई थी वहाँ पे, वो यार एक बड़ा सा पत्थर आ गया। वैसे ना मैं इसके पीछे पता नहीं क्यों चला गया, मेरे को पता भी था कि जे वाला रास्ता नॉर्मल रास्ता है, मैं इससे निकल सकती है वहां से बाइक। वो वाला अनसेटल स्टोन थे वहां पे, मतलब वो पत्थर जिनके ऊपर से गाड़ी नहीं निकली है, इसलिए वो मतलब टायर को रोक रहे थे और पानी भी ज्यादा था ना, वो टायर को पकड़ लेता है। पूरा आपको डिटेल में बता दिया भाई, यही होता है जियोग्राफी पढ़ने का नतीजा। कुछ भी यार, ठीक है भाई चलते हैं, अभी भूख लग रही है यार। यहाँ पे मुझे लग रहा था पहले सिकनेस हो रही है, सिकनेस नहीं वो भूख लग रही थी हमें बहुत ज्यादा। ठीक है कोई दुकान शान मिल जाए, रहने लग गए आजकल दोनों भाई ने सोचा है कम कम खाया करेंगे, भाई होंगे भाई का स्मार्ट स्मार्ट भाई का सैक्रिफाइस मैं देख रहा हूँ, मोमोज नहीं मिल रहे ना, बड़ा माउथ सा है ना भाई, याद नहीं दिलाना मैंने बताया था। ओके सॉरी। हाँ मैं जाती हूँ बही चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो, जे तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। अरे चाचा हमें जाने दो भाई, यहाँ से ऊपर से मिट्टी गिर रही है। जा हो बोले बाबा की। अरे डोगी आगे देख भाई, अरे आगे नहीं देख रहा यार, क्या हाल चाल। लो भाई अपना जिंग जिंग दावा आ ही गया भाई। अर्श बोल रहा था पीछे खाना नहीं खाना, वहाँ पे टेस्ट नहीं है। सच्ची यहाँ पे टेस्ट है, बिहारो वालों की सस्ता भी होगा फिर। तब जो डाइटिंग का भूत हम पे सवार है ना, मुझे लग रहा है जे किसी दिन हमें मरवा देगा भाई, इतनी तेज भूख लग रही थी। पहले मुझे लग रहा था ऊपर सिकनेस हो रही है, बट वो भूख लगी हुई थी भाई। एंड अब जाके हमें खाना मिला है भाई, जम्मू के फेमस भाई चावल राजमा। खाना तो नहीं चाहता था बट है ही नहीं है कुछ और ऑप्शन, और करेले की सब्जी है। करेले की सब्जी चावल के साथ कैसे खा सकता है कोई बंदा? खा सकता है, खा सकता है। भाई ने भाई शुद्ध शाकाहारी भोजन खा रहा है आजकल, सही है ना? मतलब मोमोज मोमोज छोड़ दिए इसने सारे, सही है ना? ठीक है भाई फटाफट खा लेते हैं भाई, अभी रहा नहीं जा रहा यार सच्ची। मतलब स्माइल देखिए आपको पता चल ही रहा होगा, अभी हमारा ना हिमाचल वाला नेटवर्क भी आ चुका है, मतलब जब से हम हिमाचल में इंटर हुए हैं सुबह से नेटवर्क ही नहीं था, अब हुआ है भाई। अब आज भाई गूगल पे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, नहीं तो वो भी तंग आ चुका है भाई। हमें बताया कल हमने कैसे पैसों का जुगाड़ किया था ना। हाँ बोल नकली, हाँ कर रहा हूँ। ओके लो भाई यहाँ पे मैं खाना खा रहा था, यहाँ पे अपना एक सब्सक्राइबर मिल चुका है भाई। सब्सक्राइबर है या नहीं? हाँ वो ना घर पे बैठे बैठे आप लोगों का ही वीडियो देखता पता चले, मैं कई बार जबरदस्ती सब्सक्राइबर बना भी लेता हूँ। एंड भाई का सबसे यूनिक आइडिया मेरे को सबसे यूनिक पता चलेगा, बता सकता हूँ? हाँ बिल्कुल भाई जी, अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए जा रहे हैं भाई, खुद बता यार पहले पूरा इंट्रो दे अपना। मेरा नाम ऐसे राहुल है और मेरा चैनल का नाम इंडियन बस्कर है, और मैं एक्चुअली जा रहा हूँ उमलिंगला वर्ल्ड के हाईएस्ट मोटरेबल प्लेस पे, जहाँ पे मैं डांस परफॉर्म करने वाला हूँ, जहाँ अभी तक किसी ने नहीं किया है। तो ये आई होप प्लान है कि गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करने वाला हूँ मैं। मतलब भाई ने सब कुछ अप्लाई कर दिया है। एंड कैसे होता है इसका प्रोसीजर वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, मुझे भी आज फर्स्ट टाइम पता चला है। एंड भाई जी अपने बिहार से, एंड भाई जी बेस्ट ऑफ लक। भाई जी ने बता दिया हमें कि किस तरह हम भी अप्लाई कर सकते हैं, हम भी यार इतनी जगह घूमते हैं, मतलब आने वाले टाइम में शायद आपको भाई रील्स या न्यूज में मिल जाए, क्योंकि रिकॉर्ड बनाने के लिए जा रहे हैं ना। हमारे माइंड में क्यों नहीं आया यार ये? आना तो चाहिए बिल्कुल, सही है भाई। कभी भी उमलिंगला जा रहे हो कुछ डिफरेंट कंसेप्ट लेके जाना, फिर आपका भी रिकॉर्ड बन जाएगा ना। बट उसके लिए पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। ठीक है भाई जी बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, देखूंगा मैं आपको न्यूज में, सही है ना। मैं ना पासेस को क्रॉस कर करके ना थक गया हूँ, अभी रोहतांग पास आने वाला है। एक चीज अच्छी है भाई कि रोहतांग पास बहुत टनल बन चुकी है, हम पास वाली साइड नहीं जाने वाले, और आने वाले टाइम में शायद आपको ना मैं भी न्यूज़पेपर या रील्स में दिखूं। वैसे तो यूट्यूब में आपको दिखता ही हूं, वो इसलिए क्योंकि मैं भी सोच रहा हूं रिकॉर्ड बनाने की भाई साहब। और लड़का क्या रिकॉर्ड बनाने के लिए जा रहा है, वो जो छोटा भाई अभी क्या उमलिंगला पे ओनली डांस करेगा। एक तो हवा बड़ी तेज आ रही है, मुझे नहीं पता आपको आवाज़ आ रही है साहब या नहीं, बाद में बताता हूँ आगे जाके। सही भाई साहब, अभी ना मैं संभल के निकलूंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक चप्पल एक जूता पहना हुआ है। चलो ठीक है, कॉम्बिनेशन बन जाएगा यार, देखा जाएगा जो होगा, है ना। चलो भाई डेयर डेवल करते हैं, इस बार सच में मैं गिरता हूँ या नहीं गिरता हूँ। ओ स्टार्ट कर ले भाई, बाइक स्टार्ट ही नहीं है। सच में यार मैं खतरनाक वाले रूट से आ गया, ये रास्ता ही नहीं है। ओके ओ सरदार जी का काम खत्म। अच्छा उसने चप्पलें पहनी हुई है, कोई नहीं। अरे गाड़ी वाला हमारा वेट कर रहा है कि जल्दी निकलो यार। आ जा अर्श भाई, आ जा, टेंशन मत ले।
ओ भाई निकल गए भाई। अरे भाई साहब जे वाला रास्ता मेरी सोच से भी बहुत ज्यादा लंबा यार, खत्म ही नहीं हो रहा। और बट अभी तक मैंने शूज अपना बचा के रखा हुआ है। ओके लो भाई खत्म हो गया, थैंक गॉड। और अभी मैं आपको बता रहा था ना वो वाला, चलो हवा गम चल रही है, मैं आपको बता देता हूँ जो मैं आपको बता रहा था आपको, आप वर्ल्ड रिकॉर्ड कैसे बना सकते हैं, मतलब आपको देखना है आसपास क्या चीज़ नहीं हुई अभी तक। मतलब अगर आप सर्च करोगे वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में तो लोगों ने इतने खतरनाक तरीके बनाए हुए ना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में, मतलब जो अभी तक नहीं बना हुआ है ना, नहीं हुआ है ना, वो आप खुद करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हो। और आपको पता है सभी को इंस्टाग्राम फॉलोअर चाहिए, सभी को वो क्या बोलते हैं सभी को वायरल होना है। मैं समझा ही नहीं पा रहा वो क्या चीज़ आती होगी, मतलब सभी को ना एज ए सेलिब्रिटी, नहीं ये भी नहीं आएगा वर्ड, वो क्या वर्ड होगा यार सोचो आप खुद। मतलब ये है कि सभी को फॉलोअर चाहिए और सभी को, सभी इंसान चाहते हैं कि उसे पहचाने दुनिया, सही है ना, इसका मुझे शॉर्ट वर्ड नहीं आ रहा। तो वायरल होना समथिंग कुछ ऐसा है, जब आप रिकॉर्ड बनाओगे आप न्यूज़ में आओगे, प्लस न्यूज़ में ना सही न्यूज़पेपर प्लस इंस्टाग्राम रील्स पे आओगे, तो बड़ा सिंपल है आपको वर्ल्ड रिकॉर्ड वेबसाइट होगी जो भी आप गूगल करके निकाल सकते हो, वहाँ पे आपको अप्लाई करना होता है कि मैं ये काम करने वाला हूँ, ये काम किसी ने नहीं करा है। जैसे वो बंदा उमलिंगला पे डांस करने के लिए जा रहा है, सेम ऐसा ही। और $5 फीस होती है, वो आप पे करके ना मतलब अपना रिकॉर्ड बना सकते हो, आपका भी नाम होगा, फिर आप भी किसी को बता सकते हो भाई देखो मैंने रिकॉर्ड बनाया, वो भी वर्ल्ड में, मतलब ये काम मैंने करा है। सच में यार अपने आप में ना एक अलग से जुनून बन जाता है बंदे में, एक मोटिवेशन मिल जाती है कि ये काम मैंने करा हुआ है। तो मैं चाहता हूँ आप भी सोचो और मुझे भी कमेंट करके बताना भाई कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इतनी जगह घूम चुका हूँ, मैं भी चाहता हूँ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊँ और $5 फीस पे करनी पड़ेगी, बट वो काम किसी ने करा नहीं होना चाहिए पहले। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, एक एग्जांपल और देता हूँ, कुछ दिन पहले लोगों एक बंदे ने, जितने भी दिल्ली मेट्रो चलती है ना कितनी सारी मेट्रोस है दिल्ली वालों को पता होगा, एक बंदे ने 8 घंटे में सभी मेट्रोस कवर करी है। तो कुछ टाइम लिमिट भी होती है, कुछ ऐसा ही है। मैं भी सोच रहा हूँ नागालैंड फिर से कवर करूँ और बोलूँ भाई नागालैंड घूमने वाला हूँ, फर्स्ट यूट्यूबर हूँ जो पूरा नागालैंड कवर कर रहा है, मेरा कॉपी मत कर लेना, सही है ना। अरे रुको यार हवा बहुत तेज चल रही है, ऑक्सीजन मिल रही है फ्री वाली। देखो भाई मैं ना उसे बहुत ज्यादा बुद्धिमान मानूंगा जो मेरे बोलने से पहले समझ जाए कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। कमेंट करके बता देना कि आपने आपको पता चल गया था या नहीं। मैं ऐसे बोलने वाला हूँ कि आखिरकार भाई पूरे 40 दिन तो नहीं बोल सकता, 20 दिन के बाद हमें हरियाली वाले पहाड़ दिखे भाई, और गंजे पहाड़ों पे बाल उगे, अच्छा ऐसा ही है। ये देखो भाई पूरा हरियाली वाला क्षेत्र, और वो सामने दिख रहा है ना पेड़ भी है, पहला पेड़ हमें दिख रहा है भाई काफी दिन के बाद, काफी नहीं 2-3 दिन के बाद है ना, 2 दिन के बाद तो बोल सकते हैं ना, भले इतने गंजे गंजे पहाड़ देखे यार पूरा हम भी गंजे हो गए। अभी ऑक्सीजन ना जबरदस्ती मेरे मुंह में घुसी जा रही है, ना नाक में घुसी जा रही है जबरदस्ती, अभी अच्छा फील हो रहा है भाई। ये देखो सामने ये वाला पहाड़, यहाँ पे गंजे वाले पहाड़ खत्म होते हैं, ये गंजा है बिल्कुल, इस पे थोड़ी घास भी नहीं है, एंड ये वाला चेकआउट करो है ना ग्रीन ग्रीन। लो भाई फाइनली हमने कर दिखाया, एंड वो दिखला अपना रोहतांग पास, वो हमने नहीं करना है भाई, शुक्र है नहीं करना है। एंड बादल आ रहे हैं फिर भी डराने के लिए, डराना भाई ठीक है। हाँ आपको नहीं पता मेरा, मैं कब से सोच के बैठा था जब ग्रीन वाला एरिया आएगा, जब फर्स्ट वाला ट्री आएगा ना मैं आपको दिखाऊंगा भाई कि कितनी ज्यादा खुशी हो रही है पेड़ों को देख के भाई। चले ओ माई गॉड, अभी तक का सबसे बड़ा वाटर क्रॉसिंग आने वाला है, अभी तक का सबसे बड़ा भाई, ओ भाई सबसे बड़ा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा तेज है, पहले अपने आर्श भाई जाएंगे हमें गिर के दिखाएंगे। अरे गिर जा भाई गिर जा, अरे निकल गया भाई, और रे भगवान ओ खींच भाई। अरे यहाँ से अगर चला गया ना बंदा सीधा नीचे, मैं चलो हेल्प करता हूँ इसकी, मैं क्या हेल्प करूँगा, मुझे खुदा हेल्प चाहिए। अरे डर लग रहा है भाई मुझे, खींच भाई जल्दी, अभी मेरी बारी है। जय हो काना जी की, देखा जाएगा कुछ नहीं होता, जय हो। फाइनली मैंने कर दिखाया यार, सब जे चेकआउट करो यार, ये सारा उसी टाइम से गिरा है जब यहाँ पे परले आई थी ना, कितने बड़े बड़े पत्थर हैं यार, सोचो यहाँ से कोई गाड़ी गुजर रही होगी उसका क्या हाल हुआ होगा ना। अरे आगे हर जगह है भाई, भाई साहब जैसे जैसे आगे जा रहे हैं ना एक से एक खतरनाक एक चट्टान दिख रही है, जे देखो इसने सारा रास्ता ही कवर कर लिया है भाई, इतनी बड़ी बड़ी चट्टाने गिरी हुई है।
तो दोस्तों टाइम हो चुका है शाम के 6 बज चुके हैं और हम अपनी फाइनल डेस्टिनेशन बोले तो दारचा में पहुंच चुके हैं। और भाई साहब अभी ना ऑक्सीजन ना जबरदस्ती हमारे नाक में घुसी जा रही है। पहले ऑक्सीजन लेने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था, अभी इतनी सारी ऑक्सीजन है, टेंशन ही कोई नहीं है। और हमें कैंप शैम्प लगाने के लिए जगह भी मिल चुकी है, वैसे यहाँ पे रहने की जगह भी है, 200-300 में बेड मिल रहे होंगे, बट हमने सोचा यहाँ पे ऑलरेडी इतना यार टूरिस्ट आते हैं, क्यों ना अपना कैंप लगा लिया जाए। असली वाली नींद ना कैंप में आती है, सही बताऊँ ना। चलो भाई आसपास का नज़ारा दिखा देता हूँ, कुछ ऐसा नज़ारा है भाई दारचा का। और यहाँ पे आगे ना पेड़ भी खत्म हो जाते हैं, दिख रहे हैं ना यहाँ बड़े बड़े पेड़ हैं और ऊपर जाते जाते पेड़ छोटे छोटे हो जाते हैं, क्रिसमस ट्री जितने, एंड इसके आगे पेड़ भी नहीं है। क्या मस्त वाला नज़ारा है ना। और देखो रेनबो दिख रहा है ना, ये रेनबो भाई पहले यहाँ पे बना हुआ था, मतलब पूरे दिन ना यहाँ पे रेनबो बनता रहता है, कितना मस्त लग रहा है भाई। वो आंखों से देख रहा हूँ ना, पूरा ऐसा लग रहा है कि पहाड़ी के पीछे से निकल रहा है और इतना ज़्यादा गाढ़ा भी है। एंड यहाँ पे हम कैंपिंग करने वाले हैं आज, क्या मस्त जगह है, टॉयलेट शॉयलेट सारी फैसिलिटी है यहाँ पे। और ऊपर जो यहाँ पे लैंडस्लाइड हुई थी ना एक हफ्ता पहले, मैं उसका डेमो दिखाता हूँ। ये देखो भाई उसका मलबा इतना सारा आ चुका है, इवन कि अगर ऊपर पहाड़ का 0% भी आ जाता ना, नीचे 0. कुछ परसेंट, मतलब 1% भी आ जाता ना, ये रिवर कवर हो जाती भाई।